7 दिसंबर राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के प्रस्तावित भवन के उद्घाटन समारोह की तैयारियां प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई है। हेरिटेज भवन से फाइलों की शिफ्टिंग का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। नए भवन में केस मैनेजमेंट से जुड़ी तकनीक से कर्मिकों को वाकिफ करवाए जाने के साथ ही उनसे मिले फीडबैक के आधार पर अपेक्षित बदलाव किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश कक्ष को छोड़कर राजस्थान हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश 9 दिसंबर से नए भवन में सुनवाई करेंगे। कोर्ट रूम नंबर 2 से 21 तक सभी न्यायाधीशों के कोर्ट रूम व चैम्बर वरिष्ठता के क्रम में आरक्षित किए गए हैं, जबकि मुख्य पीठ में 10 दिसंबर से नियमित सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के लिए अलग कोर्ट रूम होंगे। उद्घाटन समारोह में सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के अतिरिक्त सभी जिला संघों के पदाधिकारियों, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भी आमंत्रित किया गया है। तो वहीं रजिस्ट्रार प्रशासन द्वारा सतीश चंद्र सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण भी किया जा सकेगा, ताकि प्रदेश भर के अधिवक्ता इस ऐतिहासिक समारोह के साक्षी बन सके। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व व्यवस्था के नाम पर पुलिस के जवानों के द्वारा न केवल यातायात को डाइवर्ट किए जाने के साथ आम जन को परेशानी में डाल दिया, तो वहीं पुलिस के जवानों के द्वारा आर्मी के कर्नल फैमिली की कार को बेवजह रोककर महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। पुलिस के जवानों मैं राकेश शर्मा जोधपुर से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ एक और देश के राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद जोधपुर में हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर के पुलिस पूरी तरह से चौबंद रही और हर एक व्यक्ति अपनी व्यवस्थाओं के क्रम में अपनी अपनी भूमिका निभाता देखा जा सका। वहीं एक जगह पुलिस कर्मियों की जिस तरह की गतिविधि सामने आई वो बिल्कुल ही शर्मनाक है। एक आर्मी की गाड़ी को रोका जाता है, विशेषकर उस गाड़ी को जिसमें आर्मी की फैमिली मूवमेंट कर रही थी कि वो आर्मी से हैं, अपनी आईडी उन्होंने प्रूव की, तो जवान के द्वारा महिलाओं के साथ न केवल बदतमीजी की गई बल्कि बेवजह उनको परेशान किया गया, जिससे काफ़ी लंबा जाम लग गया। और ये कहते हुए कि आखिर आर्मी वाले अपने आप को समझते क्या हैं, हम पुलिस वालों की ड्यूटी है, हमें हर एक गाड़ी को चेक करने का आदेश मिला हुआ है, एसपी के ऑर्डर है, जबकि बहुत सारी गाड़ियों को वहां से जाने दिया गया। ऐसे में भीड़ और मजमा इस तरह से खड़ा हो गया कि जहां एक और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी माउंट आबू में पैरवी करके आ रहे हैं महिलाओं के लिए, पॉक्सो की जहां पैरवी कर रहे हैं, वहां जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर में गढ़ में जहां राष्ट्रपति आने वाले हैं, वहीं महिला का अपमान और महिलाओं के साथ इस तरह की पुलिस की हाथापाई अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि मैं इस समय जोधपुर के बस स्टैंड से बात कर रहा हूं, मैं अपनी कवरेज के हिसाब से आते हुए यहां जोधपुर बस स्टैंड के आ गया हूं। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीधा सीधा मेरा सवाल ये है कि जहां एक ओर वो पूरा देश इस समय हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के हत्यारों के एनकाउंटर को लेकर के खुश है, उन्हें लगता है कि कानून व्यवस्था हमारी ठीक होती जा रही है, वहीं जोधपुर के अंदर महिलाओं के साथ इस तरह की बदतमीजी, वो भी पुलिस के द्वारा, आर्मी और पुलिस के बीच में भेद करने का जो कार्य किया जा रहा है जो शर्मनाक है। यदि आर्मी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है तो पुलिस कहां सुरक्षित रह जाती है, एक सोचने की बात है। ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, आपको लेडी से बात करने का तरीका नहीं है यार। ये रैंक आपकी, रैंक में स्टार होते हैं, मेरे हस्बैंड एक अशोक एक स्टार पहनता है। मैडम मैं यहां को बुला मीडिया बना रहे हैं, नहीं के पीछे आओ, यू आर टॉकिंग आज सीएमपी को। बिल्कुल गलत कर रहे हो आप, पुलिस को दबा रही है, आप ज्यादा बात मत करिए, आपने लेडीज गर्ल्स पॉक्सो एक्ट के अंदर बात किया है, क्या है? अरे मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ये ठीक है? तू कौन है? कौन है तू? मैं कर रहा हूँ, अरे यहाँ बोल राष्ट्रपति महोदय के आगामी कार्यक्रम को देखते हुए सघन चेकिंग और नाकाबंदी का अभियान जारी है, जिसमें हम लोग संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। सरप्राइज बेसिस पर होटल ढाबे और रेस्टोरेंट, साइबर कैफे और नाकों पर चेकिंग हो रही है। एक तो ये प्लान है। तो आउटर जो
जितने भी शहर में आने वाले रास्ते हैं उन पर हमारी कड़ी नज़र है। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था होगा वो लेयर बेस्ड सिक्योरिटी होगी हमेशा की तरह। क्या आप लोग जो भी रूट है जहाँ भी रुकने का स्थान है उसके आसपास पर कड़ी नज़र रखे हुए, चेकिंग चल रही है और पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इसमें हमें अतिरिक्त बल लगभग 1700 का दिया गया है जिसे भी।